तो दोस्तों आज हम चिड़ियाघर जा रहे हैं और मैं वहीं पे खड़ा हूँ जहाँ हमेशा खड़ा रहता हूँ, इसलिए आज हम चिड़ियाघर जा रहे हैं। जो कि मेरा बॉम्बे मार्केट आज कैंसिल हो गया क्योंकि आज थोड़ा काम आ गया था, इसलिए बॉम्बे मार्केट नहीं जा पाया मैं। तो आज हम चिड़ियाघर जा रहे हैं, आपको चिड़ियाघर घुमाते हैं, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया जैसे कि बॉम्बे मार्केट जाने के लिए यहाँ से मिलेगी और पुराने संग्रहालय जाने के लिए भी यहाँ से मिलेगी, जो कि भैया ने मुझे 8 रुपये की एक टिकट दी है। यहाँ से लमसम 10 किलो या 9 किलोमीटर दूर है, जो कि मुझे यहाँ बस से जाना होगा। ये स्टेशन है, तो चलिए हम चलते आगे। जो कि दोस्तों मैं बस में ट्रैवल कर रहा हूँ इस समय, आप देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ है, जो कि मुझे भी ना खड़ा होना पड़ रहा है, इसका मैं कोई कन्फर्म नहीं पड़ रहा। देखिए पूरा भरा हुआ है, बैठने की तो कहीं जगह ही नहीं है, टोटली चारों साइड भरा हुआ है। तो लमसम मुझे 10 से 15 मिनट से खड़ा रहना पड़ेगा, तो मैं हाथ भी अगर ऊपर करूँगा ना हाथ भी दर्द करने लगा, इसलिए ना मैं कैमरा बंद करने जा रहा हूँ। और आपको जितना दिखाई दे रहा आप देख सकते हैं, इसमें बस ट्रैवल कर रही है, पूरा आपको दिखेगा। तो बाकी का मैं बाद में वहाँ पहुँचती आपको वीडियो दिखा दूँगा जब उतरूँगा। तो तब तक जो कि आप दोस्तों देख सकते हैं मैं बस से उतर चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, जो कि बड़ी मुश्किल से और बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। एसी चलते हुए भी ना मुझे एसी का महसूस नहीं हो रहा था, यहाँ एसी चल रही है, बाकी अभी मेरी बस कितनी आएगी तो मुझे भी पता नहीं है। इसके लिए ना मुझे वो जो टिकट देते हैं ना उनसे पूछना पड़ेगा कि मेरी बस कहाँ पर आएगी। तो चलिए चलते हैं। जो कि मुझे भाई ने बता दिया है कि मुझे 1 नंबर गेट पर जाना होगा, वहाँ से मुझे पुराने संग्रहालय में चिड़ियाघर जाने के लिए मिल जाएगी। तो मैं दिखा दूँ 1 नंबर किधर है। तो लमसम मेरे हिसाब से मैंने दूसरी बस चेंज कर ली है, इसमें भी उतनी ज़्यादा गर्दी है जितनी वहाँ जो उसी मैंने अपने घर से पकड़ी थी उसी बस में। तो बस ये बस सीधा मुझे चिड़ियाघर ले जाएगी। लमसम अब मुझे खाली 5 से 3 मिनट का इंतज़ार करना पड़ेगा और आपको भी करना पड़ेगा। बस ना मैं उतावला हो रहा हूँ बहुत, कि मैंने भी नहीं देखा कभी, तो बस जा रहा हूँ घूमने, मुझे भी पता नहीं है कहाँ होगा, या फिर तो रास्ता ही भटक जाएंगे या फिर तो पहुँच ही जाएंगे, देखते हैं क्या होता है आगे। बाकी आप सफ़र का मज़ा लीजिए, खाली 5 मिनट की बात। कर चुका हूँ, जो कि हमारा ये आ गया कौन सा स्टेशन है, सरथाना नीचे पार्क। ये जो भैया है हमें लेके चल रहे हैं, देख सकते हैं आप, काफ़ी गर्मी भी है इधर, एसी में घुसा रहा है इसलिए गर्मी नहीं लगी। ये जो भैया है इन्होंने मेरे पे टिकट लेके रखी थी, तो मुझे खड़ा होना पड़ा, टिकट दो। हम 2 लोग हैं, चलो तो देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं और काफ़ी इंजॉय भी कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं सामने इधर। तो मुझे यहाँ से क्रॉस करना होगा, अच्छा ठीक है, आप किधर जाओगे ऐसा। तो ये भैया का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें बताया कि... और ये मैंने घुमा के दिया, देख सकते हैं काफ़ी बड़ा प्लान खड़ा है मेरे सिर पर। यह कोई शोपीस है, कोई आप ओरिजिनल में समझिए, खाली मतलब ये चौरा है, यहाँ पुराने संग्रहालय चिड़ियाघर है इसलिए यहाँ पर रखा गया है। और ये जो ये नॉक जो बता रहा है इसकी, ये मतलब कैन इसका इशारा है कि ये नॉक की तरफ इसका एयरपोर्ट। मैंने अंकल से पूछा था, इन्होंने बोल दिया कि प्राणी संग्रहालय बंद हो चुका है। तो मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कि लाओ कुछ पैसे वैसे दे के भी काम कर लूँ, तो बोल रहे कि सरकार के निशानुसार इसलिए पैसे वैसे लेंगे नहीं। और अंदर मतलब काफ़ी लोग घूम भी रहे हैं, तो बोल रहे हैं उनका टिकट है इसलिए घूम रहे हैं, बाहर आ जाएंगे उसके बाद बंद हो जाएगा।
तो हम लोग क्या करें, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अब जा रहे हैं घर पे वापस, घर पे नहीं, कम से कम पार्क तो घूमेंगे ही घूमेंगे, अभी ये नहीं मिला तो क्या हुआ, पार्क तो घूमेंगे ही घूमेंगे। तो चलो अब चलते हैं वापस, जो कि मैं चौपाटी पहुँच चुका हूँ। वो जो आप पीछे स्टेशन देख रहे हैं वो वहाँ पे से मैं उतरा हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे पार्क है ये, तो मैं पार्क में घुसने, उससे पहले मैं आपको बाहर का बता दूँ, ये सब बाहर के। हमारा यही थी जाए बोलो बहन ला लो ड्रेस उठा लो यहाँ से उठाओ बस। मासी जो बेच रही हैं, आप यहाँ आए तो मासी के पास से जरूर की पानी की बोतल, ये पापड़ और ये आलू जो इसे बटा का भूंगड़ा बोलते हैं, यहाँ से जरूर लें मासी के पास से। अच्छा तो मासी की एक फ़ोटो ले लेते हैं हम। बस मासी तो ये मैंने मिर्च निचोड़ लिया है, मिर्च में मैंने नींबू निचोड़ लिया, बुरा मत मानना सॉरी फ्रेंड्स। और ये है भूंगड़ा, मतलब ये भूंगड़ा यहाँ बोलते हैं, लेकिन ये है पापड़ जो आप जानते हैं मार्केट में बच्चों के लिए एक रुपए के दो बिकते रहते हैं कहीं भी जाओ। तो बस हमने ले लिया, अभी हम इसे फाड़ रहे हैं। और हम दो भाई हैं, मतलब फ्रेंड्स हैं, तो एंजॉय तो करेंगे। देखो ये इसमें घुसाना है, लेकिन मैंने घुसा लिया है। आपको एक कचरा पेटी में डालना है, जो कि हमारे लिए सरकार उन्होंने पहले ही बना रखा है, जरूरी नहीं है कि हम नीचे फेंकें, एक कचरा पेटी में भी कचरा डाल सकते हैं।
तो एक अभी अच्छा पार्क है और मैंने आपको खूब अच्छी से जानकारी भी दी है। और आपसे एक खास बात बता दूंगा, यहाँ बच्चे अपने सीखने के लिए मतलब स्केटिंग सीखने के लिए यहाँ पे आते हैं। और घूमने फिरने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो कि मैं घर की ओर जा रहा हूँ, ये वही VRTS है जहाँ से मैंने बस पकड़ी थी, अब यहीं से वापस पकड़ा हूँ। और ये इधर हमारा पार्क है जिसका नाम है महाराणा सरथाणा पार्क। और आप यहाँ आए तो पक्का ये जगह जरूर घूमिए। यहाँ पे मतलब कि आप वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, जो कि मैंने बिना पूछे अंदर गया था, जिससे मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था। फिर भी मैंने उन्हें अपना चैनल बता दिया कि मैं चैनल का यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब से वीडियो बनाता हूँ। इसके लिए उसने मुझसे बाद में बोला कि ठीक है, आप वीडियो बना सकते हैं। क्या है यहाँ प्रेमी लोग आ सकते हैं, फैमिली लोग, सब लोग, उन लोगों को लगता है कहीं मतलब ये लोग लड़का लड़कियों की तो वीडियो नहीं उतारे, इसलिए मुझे मना बोल दिया है। तो अब हमें घर की ओर चलना चाहिए, चले चलते हैं। तो मैं यहाँ बस के अंदर VRTS बस के अंदर आ चुका हूँ और ये मुझे टिकट दिया है, जो कि अब मैं घर पे जाने वाला हूँ। और आज थोड़ा डरावना सा लग रहा है क्योंकि पहली बार पुलिस से मिला हूँ और एकदम डर सा बैठ गया अंदर। फिर भी कैसे भी वीडियो बनानी है। चलिए स्वैग से करेंगे सबका स्वागत।